हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्पा और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही अच्छी आइसक्रीम, बिल्कुल क्रीमी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम देखिए कोई भी पैन या कढ़ाई ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पैन लिया हुआ है। अब मैं इसमें देखिए 1 लीटर फुल क्रीम मिल गई। देखिए दूध को मैंने गैस पे चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। आप जब भी आइसक्रीम में आते हैं तो फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करें। इससे क्या है, जो आइसक्रीम है हमारी बहुत ही अच्छी जमती है और बहुत ही क्रीमी होती है। देखिए मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आने लगा है। तो हम इसे एक बार इस तरीके से चला देंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और दूध को अच्छी तरीके से बॉईल कर लेते हैं। और दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि यह आधा नहीं हो जाता। दूध को हम बीच बीच में इस तरीके से हिलाते रहेंगे। और जो ये साइड में जो मलाई है इसे भी हम इस तरीके से चम्मच की हेल्प से खुरच लेंगे और दूध में मिक्स करते जाएंगे। अब हम चीनी ऐड कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली हुई है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें और भी चीनी ऐड कर सकते हैं। जब तक हमारा दूध पक रहा है तब तक हमने जो गेहूं का आटा लिया हुआ है उसका हम घोल बना लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप दूध लिया हुआ है। इसमें ये देखिए 4 बड़े चम्मच मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है। ये वही आटा जो हम डेली रोटियाँ बनाते हैं। अब हम इसे दूध में डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जिससे क्या है दूध में कोई लम्स ना रहे। देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई, देखिए घर में जो हम मलाई निकालते हैं दूध के ऊपर से वही मलाई है, तो ये 2 बड़े चम्मच हम दूध की मलाई ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक बार दूध को और चढ़ा लेते हैं। दूध हमारा पकने के बाद देखिए दूध की क्वांटिटी कम हो गई है। तो हमने गेहूं के आटे का घोल बना के रखा हुआ है, इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते जाएंगे। हम इसे मिक्स करते जाएंगे साथ के साथ। अब हम इसे चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देखिए दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब देखिए हम चम्मच के पीछे इस तरीके से हाथ से देखिए देखिए कितनी अच्छी कोटिंग आ रही है। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि जब हमारा दूध ठंडा हो जाएगा इसके बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा ये, इसलिए हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए दूध का घोल हमारा जो है वो पूरी तरह ठंडा हो गया और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। तो हम इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और चर्न कर लेंगे। तो हम इसे जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इससे क्या है, जो हमारी आइसक्रीम है बिल्कुल मार्केट के जैसे क्रीमी बनती है। अगर आपके पास जार नहीं है तो आप जो रई होती है, रई से चाहे आप जो भी बोलते हैं मथनी, उससे ही मथ सकते हैं। देखिए हमने सारे घोल को ट्रांसफ़र कर लिया है मिक्सर को। हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हमने इसे चर्न कर लिया है। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। देखिए बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनती है इससे हमारी। देखिए मैंने यहाँ पे इस टाइप का एक बॉक्स लिया हुआ है, ये देखिए आप कोई भी बॉक्स ले लें। अब हम इसमें से जो आधा मिक्सचर है इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और आधा हम बचा लेंगे इसमें से दूसरी लेयर के लिए। देखिए मैंने आधा मिक्सचर ट्रांसफ़र कर दिया है दूध का और देखिए आधा मैंने बचा लिया है। अब मैं इसमें 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल लूँगी। इलायची ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें वरना स्किप कर दें। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसे कवर कर लेते हैं और इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। 2 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए हमने फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दिया। जब तक हमने जो आधा मिक्सचर बचा के रखा हुआ है इसे हम दूसरी लेयर के लिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया हुआ है, ये 1.5 बड़े चम्मच है। अब हम इसे इसमें डाल लेते हैं। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप इसमें चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं या फिर कोई और फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए
अब हम इसे भी एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये चॉकलेट फ्लेवर के लिए मैंने, ये देखिए इसका भी मैंने घोल बना लिया है। हमारी आइसक्रीम सेट हो रही है तो इसे हम इसी तरीके से ढककर रख देते हैं। देखिए अब हमने इसको फ्रीजर से निकाल लिया है, अब हम इसमें दूसरी लेयर डाल देते हैं। ये देखिए चॉकलेट वाला बना के रखा हुआ, इसे हम डालेंगे, लेकिन हम इसे इस तरीके से डालेंगे, स्पून के ऊपर हल्का हल्का से डालेंगे और इसे पूरे में फैलाते जाएंगे। देखिए हमने इसके ऊपर चॉकलेट वाली लेयर भी डाल दी है। अब हम इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट से इस तरीके से ऊपर से गार्निश कर देंगे। अब आप कोई भी एक पॉली शीट ले लें इस तरीके की, प्लास्टिक शीट या फिर मतलब दूध की थैली होती है वो भी आप ले सकते हैं। अब हम इसे इसे कवर कर देते हैं। इससे क्या है, जो हमारी आइसक्रीम है उसमें अंदर से आइस नहीं आएंगी और इससे बिल्कुल क्रीमी आइसक्रीम जमती है। देखिए इस तरीके से हम इसे कवर कर देंगे। अब हम इसे ऊपर से इस तरीके से ढक्कन से फिर कवर कर देते हैं और इसे फ्रीजर में 7 से 8 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। देखिए हमने आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल लिया है, इसे निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी क्रीमी क्रीमी हमारी आइसक्रीम जमी है। देखिए अब हम इसे पानी में डिप करेंगे, देखिए और हल्का सा सेक करेंगे इस तरीके से इसे। इससे क्या है, जो हमारी आइसक्रीम बहुत आसानी से निकल जाएगी। अब मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। वाओ देखिए कितनी क्रीमी आइसक्रीम जमी है हमारी, ये देखिए। अब हम इसमें ऊपर से कुछ पिस्ता से गार्निश कर देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं इसमें। अब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी है हमारी डबल लेयर में आइसक्रीम बनी है। इसे देखकर कोई कह सकता है कि गेहूं के आटे से हमने इस आइसक्रीम को बनाई है? देखिए यकीन मानिए खाने में भी बहुत टेस्टी है, बिल्कुल मार्केट के जैसी।